हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग यू 24, दिस इज मी सिद्धांत। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें हंसाती हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें रुलाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अब सीखने सिखाने और सपनों की जंग के बीच एक कहानी आ रही है जिसका नाम है बादल पर पांव है, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर करंट सिचुएशन की बात करूं ना, तो स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। टुडे आई हैव द कंप्लीट स्टॉकास्ट विद मी। वेरी वार्म वेलकम टू E24 स्टूडियो। थैंक यू सो मच सिद्धा, यू आर वेरी गुड, अमेजिंग फॉर हैविंग अस हियर। ओके, थैंक यू। वो एक जो एनर्जी होती है ना, आप लोग जब आके यहाँ पे बैठो ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझ में भी ट्रांसफर हुई है, और तभी इतना अच्छा शुरुआत हुआ इस चीज का। और पहला सवाल बानी आपसे ही है। ओके, केबीसी है ना, पहला सवाल आपके लिए, कितने पैसों के लिए? पैसों के लिए नहीं, लेकिन हाँ प्यार के लिए से बात करेंगे। प्यार के लिए पहला सवाल, प्यार से बहुत टीआरपी के लिए पहला सवाल। ओके, दैट मैटर्स। तो पहला सवाल ये है कि कहानी क्या है ये बानी की, किस सपनों की बात हो रही है, कौन सा वो परिवर्तन है जो बानी चाहती है परिवार में, पर्सनल लाइफ में? जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे, लाइक किसका मर्डर होने वाला है, किसकी गाड़ी आने वाली। बट यार, कहानी एक लड़की की है, पिंड की है, छोटे से पिंड से आई है, गरीब घर से आई है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसको बहुत आगे जाना है। सब एक मामूली लड़की, जैसे आप देखेंगे आजकल की लड़कियां जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बिल्कुल ऐसी है बानी। एंड उसके सपने ये है कि उसको बहुत सारे पैसे कमाने, अपनी फैमिली को ये भी देना है, वो भी देना है, उसको हर चीज़ चाहिए अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। सो उसकी लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल आती है, उसको एक वो मिल जाता है कि यार शेयर बाजार ठीक है, इससे मैं पैसे कमा सकती हूँ कम टाइम में। हालांकि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी है, वो चार चार नौकरियां की उसने एक दिन में, बट उसको लगता है कि शेयर मार्केट इज फन यार, पैसा डालो डबल होकर वापस। जो वो धीरे धीरे जर्नी में सीखती है कि नहीं, ये तो लॉस भी हो रहा है, बहुत सारी इलीगल चीजें भी करती है, सास ससुर गुस्सा भी हो रहे हैं, सास हालांकि मेरे साथ है, ससुर जी गुस्सा है, पति परमेश्वर मुझसे गुस्सा होकर बैठे हैं शेयर मार्केट में पैसे नहीं डालने। सो इट्स अबाउट बानीज जर्नी, कैसे वो करती है, इट्स फन टू वॉच। क्या अमनदीप बानी से स्टॉक मार्केट के प्लस माइनस को सीख रही है? लिटिल बिट, बट मेरे अंदर इतना करेज नहीं आया अभी तक कि मैं इन्वेस्ट करूं। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है शेयर मार्केट वाले पॉइंट पे कि बिल्कुल सही बोलते हैं ये लोग कि रिस्क तो बहुत है, एंड आई डोंट वांट टू टेक दैट मच रिस्क यार। वैसे सोनी की एक लाइन थी, रिस्क है तभी तो इश्क है। खैर, उस पे बाद में आएंगे। कमिंग बैक टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ में पूरा शूट हो रहा है, और मुझे पता चला कि वहां के आसपास गांव के कहीं एक जगह आप लोग ने अपना सेट वगैरह लगा रखा, प्लस रवि और सरगुन का प्रोडक्शन टीम है। कैसा लग रहा है, मतलब ऑन लोकेशन जब शूट होता है, नो डाउट आप बॉम्बे में भी कर सकते थे, लेकिन वो जो पंजाब का फील है, उस फील के लिए आपने अपना सब कुछ तामझाम चंडीगढ़ में सेट किया? हाँ, बॉम्बे छोड़ के चंडीगढ़ आना हालांकि बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। पहले तो मेरा मन ही नहीं था कि मुझे बॉम्बे छोड़ना है, बट उससे ज़्यादा डिफिकल्ट ये था कि जो हमने एक महीने शूट किया है इस शो के लिए, वो हमने सिर्फ आउटडोर किया है। और वो गर्मी थी अप्रैल में की गर्मी, मतलब एक्सट्रीम गर्मी, ड्राई गर्मी में हम सिर्फ आउटडोर रहते थे। तब इन लॉज की अभी शूट स्टार्ट नहीं हुई थी, मेरी फैमिली का था, मेरी मॉम, मेरे डैड एंड माय सिस्टर, और हम लोगों ने शूट किया उसको रियल लोकेशन में। एंड रियल लोकेशन ये थी कि इतना पूरा मेरा घर ही था, जितना ये आपका ये रूम है, इतना मेरा पूरा घर था, छोटा सा कमरा, उसी में शूट करना है, देर इज नो एसी, नो पंखा, नथिंग। सो आई थिंक सो दैट वन मंथ वॉज द टफेस्ट मंथ फॉर मी ever, but now I'm enjoying it. अब हमारे घर में एसी भी है, अब हम घर में शूट करते हैं, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, so it's fun. पंजाब का खाना पसंद आ रहा है? हाँ, मतलब फिटनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ, टेस्ट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओके, आकाश, कमिंग टू यू, भाई आपने तो इतना ऑन लोकेशन शूट कर रखा है फिल्म सिटी वगैरह में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ दो चीज़ें। पहली चीज़ ये, इस बार किस तरह का आपका कैरेक्टर दिखने वाला है, I mean, उसके शेड्स क्या क्या होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आप मुझे ऑन लोकेशन वाली वो जो प्लस एंड माइनस जैसी चीज़ें होते हैं, बानी ने हमें बता दिया कि इनके हिसाब से क्या प्लस था क्या माइनस था, आप बताओ मुझे। तो मैं पहले पहला क्वेश्चन का आंसर करता, ठीक है, कि यूजुअली जो मैंने इससे पहले शोज भी किए हैं वहाँ पे मेरा कैरेक्टर एक रिच बॉय, बिल्कुल एक रिच ब्रैट, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा स्टाइल मार रहा है,
तो दो ही तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, या तो रिच होते हैं जो एकदम मिलियनेयर सूट पहन के हीरो होता है, या तो एक होता है टपोरी. सो दिस इज वेरी न्यू. इसमें दोनों में से कुछ नहीं है. बहुत सिंपल सा लड़का है, कोई नमक मसाला नहीं है एक्स्ट्रा. And a very simple guy, very grounded guy, somebody who loves his family. और उसका एक ही aim है life में कि मैं अपनी जहाँ जाऊँ अपनी family को साथ लेके चलूँ और इनके साथ खुश रहूँ. So that way this show is very different for me. Okay. And so is the character. Now coming to your second question, Punjab. तो Punjab से मैं पंजाबी हूँ. हाँ, but हूँ मैं दिल्ली का, model town का. तो हमेशा से वो जो अपना अपने roots को देखने का एक था कि पंजाब को पास से देखना है. तो महसूस वाली चीज़ फील करना है कि हाउ डज इट फील टू बी इन पंजाब, टू लिव अराउंड पीपल इन पंजाब. तो अच्छा एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस है. मुंबई और दिल्ली से बहुत डिफरेंट है पंजाब. वहाँ की जो एनर्जी है वो थोड़ी स्लो है व्हेन यू कंपेयर इट विद मुंबई और दिल्ली. जैसे वहाँ पे भागते रहते हैं मुंबई में लोग. हम भी जब काम करते हैं तो हमारे वर्किंग आवर्स तो होते हैं एग्जॉस्टिंग, 15-15 घंटे. बट इवन अदरवाइज एवरीबडी इज वर्किंग. पंजाब में अंधेरा होने से पहले ही पैकअप हो जाता है सबका. सब घर आके ये डिस्कशन हो रही होती है खाना क्या है और कैसे इन्जॉय करना है. सो दैट वे पंजाब इज़ वेरी डिफरेंट. बट आई टेक आउट टाइम, जब भी दो सीन्स के बीच में गैप होता है मैं एक ड्राइव के लिए चला जाता हूँ बाहर, खेतों को एक्सप्लोर करने. और बहुत सारी बर्ड्स ढूंढी है मैंने पंजाब में. हाँ, तो आई एम इन लव विद पंजाब फॉर नाउ, बट विद ऑल इंटेंशंस टू गो बैक टू मुंबई. ओके, चलो बहुत अच्छा. आपने एंडिंग बहुत अच्छी बात सीखी कि योर इंटेंशन था गो बैक टू बॉम्बे. मैं जानना चाहता हूँ वो जो दिल्ली का लड़का बॉम्बे पहुंचा था, पहले तो ये बताओ कि मुंबई इज ए स्केरी प्लेस फॉर ए न्यूकमर? फील होता है वैसा कि यार सब कुछ एनी प्लेस इज स्केरी वे यू, मतलब जहाँ आप किसी को जानते नहीं हो दैट प्लेस इज एलियन फॉर यू. तो अपनी फैमिली से दूर कहीं भी जाएँ तो स्केरी तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ थोड़ा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एंड ऐसा भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि टीवी में थोड़ा, मतलब फिल्मों के कंपैरिजन में टीवी में थोड़ा कंफर्ट होता है क्योंकि आपको अपना स्केड्यूल पता होता है, कल जाना है करना. अरे नहीं नहीं, हम कुछ नहीं पता होता. हाँ, कई बार हम सेट पे आके बैठे होते हैं, सीन लिख के आ रहा होता है और हमें बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है, बट जो लिख के आता है वो एकदम डिफरेंट होता है. एंड यू हैव टू परफॉर्म इंस्टेंटली क्योंकि नेक्स्ट डे का टेलीकास्ट है. तो बहुत प्रेशर होता है. बट आई बिलीव टीवी मेक्स यू टेक्निकली वेरी साउंड. Okay. तो जो टीवी एक्टर्स होते हैं जब हम फिल्म करने जाते हैं या ओटीटी करने जाते हैं तो वहाँ के टेक्नीशियंस रियलाइज करते हैं कि यार दीज एक्टर्स नो देयर जॉब, वी नो हाउ टू वेयर टू स्टैंड, वी हाउ टू टेक अ लाइट, हाउ टू फेस द कैमरा. टेक्निकलिटीज पता होती हैं सारी. ऑप्शन ही नहीं है ना, पता नहीं होगी तो आप कैसे फुटेज दोगे, कैसे सीन्स करोगे इतने सारे. तो आई थिंक दैट वे थोड़ा ग्राइंड है, बट इवेंचुअली इट हेल्प्स यू अ लॉट. ओके, एक और क्वेश्चन है कि सोनी सब के साथ, मतलब जब हम सब टीवी की बात करते हैं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज, मतलब तारक मेहता को उल्टा चश्मा कह लीजिए, बालवीर कह लीजिए, मालेगांव का चिंटू, बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो हमें एक नॉस्टैल्जिक फील में लेके जाते हैं, फ्लैशबैक मेमोरीज में लेके जाते हैं. आपको जब पता चला कि उन शोज जिनको हम अक्सर देखा करते थे उन उसी प्लेटफॉर्म पर आप अपना शो लेकर आ रहे हो एज ए लीड, तो डू यू हैव सम काइंड ऑफ की नहीं आ रही है, मतलब एक लगाव वाली जो चीज़ होती है, क्या आप अपने प्रोजेक्ट्स के साथ वो एकदम फैमिली वाला वो एक जो लगाव होता है एक एक्टर का? यार हम लोग जब कोई प्रोजेक्ट हम टेकअप करते हैं या उसका पार्ट बनते हैं तो अ लॉट ऑफ एनर्जी गोज इन टू इट, अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन टू इट. तो विद ऑल पॉजिटिविटी वी गेट इन टू इट. तो बस उम्मीद तो बाकी सब ऑडियंस के हाथ में होता है. हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे मन में सोचने से नहीं होता. इट्स अप टू द ऑडियंस कि वो कैसे आपके काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं. एंड थैंकफुली टच वुड, आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हमारा शो लोगों को पसंद आ रहा है. लाइक हाउ यू सेड, लोग रिलेट कर पा रहे हैं. बिल्कुल, दैट्स अ प्लस. मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा. जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, स्टॉक मार्केट की मैंने बात की, एक्चुअली में ये शो बहुत रिलेटेबल है हर एक ऑडियंस के लिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के साथ कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी. सूरज सर, कमिंग टू यू सर, मतलब मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब से मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती बैठा के दिखाया करते थे. हाँ, मतलब मैं अगर याद कर पाऊँ तो ससुराल गेंदा फूल के भी पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूँ. जो सबसे बढ़कर है तो पहली चीज ये. सर, इतने साल हो गए आपको काम करते करते,
हर तरह के रोल आपने कर लिया, अभी भी आज भी जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको भी ये चीज अंदर से होती होगी ना कि यार अब क्या मैं नया ला के दिखा दूं जनता को? मेन तो राइटर ही है हमारे मीडिया में, मेन जो है वो राइटर जो क्या सोचता है। इस किरदार की जहाँ तक मैं बात करूँ, भीषण खन्ना ये मध्यम वर्ग की परिवार है जहाँ पर पूरा परिवार संतुष्ट है जो कुछ भी इनके पास है, और बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं, और कुछ बड़े बड़े गोल बना के नहीं बैठे हैं जीवन में। जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं, और उससे गुजारा चल रहा है। तो ऐसा जीवन बिताने वाला ये परिवार जिसका मैं हेड हूँ, और मेरा जो बेटा है जो ये प्ले कर रहे हैं रजत, वो भी उसी तरह से सोचता है, पूरा परिवार उस तरह से सोचता है। तो इस तरह से कहानी चल रही है, फिर अचानक हमारी लाइफ में बानी की एंट्री होती है जो कि जिसकी इच्छाएं हैं, जो लाइफ में कुछ बनना चाहती, कुछ करना चाहती है, जो कि अच्छी बात है, और कुछ ऐसा करना चाहती जो सिर्फ वो अपने लिए नहीं सोच रही है। बेस्ट पार्ट बानी का वो है कि वो सेल्फिश नहीं है, वो खुद पैसा कमा के कुछ मतलब लाइफ में आगे बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो परिवार के हर इंसान के लिए कुछ बनाना चाहती है, उनकी ज़रूरतें पूरी करना चाहती है। तो दैट्स अ वेरी गुड टेक ऑफ बानी। मेरी प्रॉब्लम यह है कि भाई शेयर मार्केट जो है वो बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है जो कि शोर शॉट नहीं है। इट्स लाइक एक जुआ खेल रहे हो, और जुए में किसी चीज़ की गारंटी होती नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं उसके साथ नहीं हूँ कि वो ये चीज़ करे। तरीका कोई भी गलत पूरी तरह से या कोई भी तरीका पूरी तरह से सही नहीं होता, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, ये मेन इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए ये सीरियल ये किरदार अच्छा इसलिए लगा बिकॉज ऐसा किरदार मैंने अभी तक किया नहीं था कि संतुष्ट है, बहुत ही रिलैक्स है, और उस बहुत इंजॉय कर रहा है वो स्पेस में, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो बहुत खुश है, तृप्त है, मतलब हर चीज़ से है। जो थोड़ी सी पैसे आ रहे हैं पेंशन के, जो घर चल रहा है, सब बैठ के एक साथ मटर छील रहे हैं या काट रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। एक दूध का बूथ खोला हुआ है बच्चे के लिए, उसको वहाँ पे सेटल किया हुआ है, ये काम कर रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब लाइफ जब और इच्छाओं के साथ बानी एंटर करती है तो थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आता है। yes, तो उसका मजा अलग है क्योंकि वो भी लाइफ में कुछ करना चाहती है, जो कि आज के यूथ चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है उससे ज्यादा चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बस मैं बोलता हूँ तरीका जो है वो सही होना चाहिए। सर नो डाउट, आपने ट्विस्ट की बात की, आपने तरीकों की बात की, वो तो हम धीरे धीरे देखेंगे। सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगेन इसी चीज से शुरुआत करूंगा क्योंकि आपने इंडस्ट्री में एक दौर देखा है पूरा, आपने वो एरा देखा है कि जब टेलीविजन ही मेन मीडियम हुआ करता था, और अब तो मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, अलग अलग क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइबर प्लान्स के साथ, कि उस पर तो बाद में बात करेंगे। क्या अंतर देखते हैं आप तब के, जब जैसे पहले टीवी शोज बनते थे और अब के टीवी शोज में? अभी बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें क्रिएट करना होता है, बहुत कम समय में हमको ज़्यादा काम करके दिखाना होता था। पहले हम बहुत रिलैक्स रहते थे, आसानी से काम होता था, और दो दिन में ढाई दिन में हम एक एपिसोड शूट करते थे, हम वीकली करते थे, हफ्ते में सिर्फ एक एपिसोड बनाना होता था। अभी हमें हफ्ते में 6-7 बनाने होते हैं, तो वो 7 एपिसोड बनाने में मतलब सारे कलाकार, इन दोनों को अगर आप प्रैक्टिकली देखें सेट पे, तो इनके पास आराम नाम की चीज़ नहीं है, ये लोग कॉन्स्टेंटली काम करते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि भाई यंगस्टर्स अगर चाहते हैं कि आएँ और काम करें, तो उनके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एक तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है। बिल्कुल। जो दिखने वाली चीज़ें करे यार मेरे भी पोस्टर लगेंगे, मेरे भी फॉलोवर ज़्यादा बढ़ेंगे, वो सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ है, वो बहुत बाद की है। पहले तो ऊपर वाले का दिया हुआ टैलेंट, उसके बाद बहुत सारी मेहनत। और मैं तो ये कहूँगा यंगस्टर्स के लिए कि आप लोग प्लीज़ एक टाइम सेट करके आइए, अगर बॉम्बे आना है तो अपने माँ बाप की सोच से हटकर अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो एक टाइम सेट करके आइए, और उतनी देर का स्ट्रगल करने के बाद अगर कुछ नहीं बनता है तो प्लीज़ वापस जाके वो कीजिए जो फैमिली करवाना चाहती है। डोंट जस्ट कीप वेटिंग फॉर यू नो गेटिंग अ ब्रेक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब जब आज आप जाते हो सेट पे जाते हो, क्या आप उसी एनर्जी के साथ जाते हो जैसे आज के 20 साल पहले जाया करते थे? ऑफकोर्स, पैसा तो आज भी मिल रहा है तो नहीं तो पैसे मिलना, इतना एक्सपीरियंस है आपको, आप थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, एक बेनिफिट आता है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी ट्रेनिंग जो है वो थिएटर से है, तो थिएटर में हम लोग तो जब 1.5 महीना हम लोग सिर्फ रीडिंग ही करते थे,
उसके बाद मूवमेंट और ये सब, तो 3-3.5 महीने में एक प्ले तैयार होता था। आई कैन रिलेट सर, मैं भी थिएटर से। सॉरी टू कट यू, बट एक चीज़ ये है कि सेट पे सबसे ज़्यादा एनर्जी इनकी होती है, जब ये आते हैं तो हम लोग ऐसे ढीले भी होते हैं ना, तो चलो 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 गेट अप गेट अप गेट अप ये करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को वो ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब महफिल की जान आप सर होते हैं। पता नहीं, मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी किरदार मिला है वो उसके साथ इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो बहुत सारे महीनों की मेहनत जो क्रिएटिव्स की है, जो चैनल में बैठे हैं या इधर प्रोडक्शन के हैं, और फिर जो डायरेक्टर है, सारे डायलॉग राइटर्स हैं, वो बहुत सोच के आपका किरदार बना के आपको देते हैं। बिल्कुल, हज़ारों लोगों में से आप सेलेक्ट हो गए हो। बिल्कुल, तो आपने जब वो बाजी जीत ली तो उसके बाद आप रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि आपको वो ये साबित करना है कि आप सही चॉइस हो। पॉइंट आज अगर हम सब मेहनत कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि हम सही चॉइस लगने चाहिए, ऐसा लगे कि ये बानी करेक्ट, ऐसे अच्छी बानी नहीं हो सकती। आज रजत जो है वो लग रहा है कि अरे यार कमाल, इतने थिन लाइन पे ये परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बानी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा लगता है यार बानी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये एज अ हस्बैंड भी देख रहा है, एज अ फ्रेंड लावण्या के साथ जो उसको सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत है और कोशिश ये कि एनर्जी सबकी बनी रहे ताकि अच्छा काम हो। ओके, तो इसी नोट पे मैं इस इंटरव्यू को एंड करता हूँ, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक्चुअल में इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, जैसा अभी आपने कहा कि आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, लेकिन अब देखना आगे ये होगा कि आपको बानी कैसे आपके संतुष्ट को सब भंग करती है। अगेन, जो एक कैरेक्टर की थिन लाइन है कि नेगेटिव भी हो सकता है, कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब बानी तो कमाल धमाल मचाने ही वाली है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो इसी नोट पे मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच E24 के साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।